ये लिखा हुआ ना मिनियन लिखा हुआ है, मम्मी बोल रही है मिनियन बोल दो या ओनियन बोल दो, बात एक ही है। सुबह उठ के देखा नीचे आए तो भाई मम्मी गायब, वरना तो फिर मतलब पॉपर्टी समझो मेरा, ठीक है। चोर चोर है वो लड़का। चोर है। Hey guys, good morning, welcome back to my new blog। और भाई एक बार बताऊं तुम्हें, मम्मी ना बिना कहे अपनी दवाई लेने चले गई बाहर, और ना बताया किसी को ना कुछ करा। मैं तो सो रहा था और मम्मी तो चले गई, पापा को बताया हुआ, लेकिन पापा भी अभी है नहीं घर पे, पापा भी अपनी मंडी के पास में गए होंगे। तो ये सीन हुआ भाई बिना बताए। पहले तो ये हो रहा था मम्मी का कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये हो रहा था कि जाना है नहीं जाना वाला टाइप, ठीक है। लेकिन भाई सुबह पता नहीं ऐसा क्या ही हुआ कि भाई चली गई मम्मी, उठ के अपनी दवाई लेने चले गई। अब देखो भाई कब तक आती है मम्मी, बाकी तो अपना नहावा लिया हूँ मैं अभी, यार ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद में देखते जब मम्मी आती है ब्लॉग बनाते हैं। भाई मेरा ना प्लान था मम्मी के साथ में जाने का ना, कि थोड़ा मार्केट से सामान वामान लेकर आना था, और मैंने मम्मी को कल बोल दिया था कि भाई कल चलते हैं कुछ सामान वामान लेकर आते हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ चलो ठीक है चल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई अब सुबह उठ के देखा नीचे आए तो भाई मम्मी गया, मम्मी गई है अपनी दवाई लेने। तो भाई मेरा तो हो गया सुबह सुबह पॉपट कि भाई प्लान ही कैंसिल हो गया, जो हमने कल प्लान किया था वो प्लान ही कैंसिल हो गया। अब देखो भाई अगर आती हैं मम्मी टाइम पर, वैसे ऑलरेडी 12 तो बच्चों के टाइम पर ही तो क्या आएंगी, वैसे अगर आ जाती हैं फिर भी तो देखते हैं जाने का मार्केट। तो भाई फिर कल प्लान करेंगे जाने का, आज तो नहीं प्लान हो पाएगा फिर अगर टाइम पे नहीं आई तो, वरना तो फिर मतलब प्रॉपर्टी समझो मेरा, ठीक है। तो मतलब अब क्या कर सकते हैं, माई है हमारी माई, क्या कर सकते हैं भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। आ भाई आओ आओ, घर में स्वागत है तुम्हारा, पूरा दिन निकाल के अब आई है भाई, अब आया पूरा दिन निकाल के सुबह से है भाई, और क्या पूरा दिन ही निकाल दिया। तुम्हें पता नहीं था कि आज चलना है तो चलना है, तो चलना है। और क्या दवाई नहीं लाती, दवाई नहीं लाती तो पहले बोल के तो जाता था, मेरा पॉपट करा दिया तुमने सुबह सुबह। फायदा क्यों बताओ भाई, इन्होंने सुबह सुबह मेरा पॉपट करा दिया, ये लेके आई है दवाई, ये क्या लेके आये हो, हमें क्या पता तो तुम कब आओगे क्या नहीं है। हमें फोन तो करता फोन करता फोन करता पूछ लेता मेरे से, चलोगे बाजार तो वहीं के वहीं चल लेते। सुबह सुबह पॉपट करा दे इनको, वो मजा आया। ठीक है देखो ये लिखा हुआ है ना मिनियन लिखा हुआ है, मम्मी बोल रही है मिनियन बोल दो या ओनियन बोल दो, बात एक ही है। क्या बोल रहे तुम है, बोल दो या ओनियन बोल दो, भाई पूरा दिन निकाल दिया जब जाके आएंगे ये बताओ। ये कोई बात हुई है, ये कोई बात हुई है क्या, डेढ़ घंटा आने में लगा, डेढ़ घंटे में जाने में लगा, एक से डेढ़ घंटा दवाई में लग गया। दवाई में तीन तीन दवाई लगेंगे सिर्फ, उसमें कह रहे डेढ़ घंटे, आधे आधे घंटे में ली थी एक दवाई। डॉक्टर सारा कुछ देखा है, क्या देखा डॉक्टर, डॉक्टर भी कुछ देखता है, एक्सरे पर्चे, फिर बात करी उसने अच्छे से, फिर सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ देखा, तब उसने दवाई दी। नींबू पानी नहीं पिलाया उसने, नींबू पानी आए क्या गर्मी हो रही है, नींबू पानी दवाई उन्हें वहीं पे पिलाई अपनी। फिर हमने उससे पूछा, फिर हमने उसको बताया हमारे यहाँ पे भी दर्द होता है सर में सुबह उठते ही, तो कह रही उठते तो उठने से याद आया भाई साहब, साढ़े कितने बजे आया था वो, साढ़े पाँच पाँच सवेरे, साढ़े छः बजे, सवा छः बजे भाई उठा दिया, ना मेरे को कुछ पता था कि क्या देना है क्या नहीं देना, बस उठा दिया कि भाई ये दे रहा सामान। तो आया ही था वो संभव का फोन आया था, मुझे पता पापा से बात हुई थी, संभव का फोन कब आया था, छः बजे मतलब उसके बाद ही आया, सवा छः बजे उसका ही फोन आया सवेरे सवा छः बजे। अच्छा उसके से ही उठे फोन की, अच्छा हम तो सो रहे थे, नींद खराब कर दे,
ये कोई बात हुई सुबह सुबह एकदम अर्जेंट पे ऐसे बताते, पता नहीं क्या गाड़ी छोड़ी आती है इनकी। पहले भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। बंदा गेट पे आया ना, बंदा तो गेट पे आया, तो हमें तो बताया पहले रात, अगर तो रात में पता लग रहा है। फोन कर रहा है सैकड़ों, वो एक घंटे से मेरे को कोई फोन नहीं कर रहा। वो लौंडा जो लेके गया, वो उसका नंबर तो मैं रखता ही नहीं, मैं अननोन नंबर क्यों उठाऊंगा। हमें क्या पता तू तेरे पास नंबर नहीं है, सेव नहीं कर रखा। चोर है वो लड़का, चोर है। पैसा खा रखे उन्हें सबके, तेरे को नहीं खा रखे, मेरे नहीं खा रखे, संभव के खा रखे। अरे है बस उसके बहुत जनों के हैं उसके। तूने पहले क्यों नहीं बताया, तुझे कुछ नहीं देते उसे अंदर। मैंने भी आँख खोल के सही से देखा नहीं, मैंने कौन आँख खोल आके तो बंदा ही सुबह सुबह जगा दिया मैंने कि भाई ये सामान लेना है, कौन सा सामान देना क्या है। बंदा पहले भी तो आया था एक बार, फिर मैंने मैं, नहीं ये थोड़ी ना था, ये आया एक बार, ये भी ये नहीं है, दूसरा था वो, ये नहीं आया था घर पे, ये तो अभी आया है। ऐसी है वो, आड़ चढ़ा रखा है, यहाँ से भी कुछ सामान उठा के ले जाएगा। मेरे को तो मन में आया था, मैंने कहा पूछ लूं एक बार, कुछ तो नहीं गया हुआ घर से। हाँ भाई, हम तो यही थी, मैं तो होती कोई आता है तो। इसलिए मैंने सामान दिया, मैंने कहा चल भाई बात। ऊपर जा रहा था वो, तो ऊपर क्यों जा रहा था, मैं तो सामान दिया उल्टे। मैंने कहा बेटा सामान तो नीचे रखा, तू पापा ने मना कर दी। मैंने कहा वो तो नीचे ही आएगा, सोने सो रहा है वो तो, पर नीचे ही आएगा वो तो सामान। मैंने क्या सामान नहीं चाहिए जो देना है तेरे को, अलग ही लोग है भाई ये लोग। सुबह उठ के उठा दिया, एक तो नींद खराब कर दी, फिर दोबारा सोए, फिर दोबारा नींद नहीं आई, पर एक बजे जब नींद आई तो भाई लेट उठे, और लेट उठे फिर मम्मी का आया। हमें लगा मम्मी घर छोड़ के चले गए बिना बताए। मम्मी घर से भाग गई है। क्यों भाई, और क्या भाग नहीं सकते तुम मम्मी? पहले भाग जाती मम्मी, पहले भी नहीं भागी कभी। तो हम कह रहे हैं ना कि अब नहीं भाग सकते, क्या पता पहले भाग जाती। ना पहले भागे ना भागे, अब तो वैसे नहीं भाग सकते कहीं। कि जोड़ों में दर्द होता है इनके, इसलिए नहीं भाग सकते, वरना तो भाग जाते क्यों मम्मी, है ना। सही है भाई, ये भागते रहो भाई। मेरी तो टूट रही है गर्दन, ठीक है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। मम्मी की टूट रही है कमर, दोनों टूटे हुए लोग बैठे हुए इधर, टूटे फूटे लोग हैं हम। बताओ भाई, गर्दन और कमर क्या कॉम्बिनेशन है, गर्दन और कमर का, माँ बेटा का कॉम्बिनेशन। भाई मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूँ, एक बात ना शेयर करनी है, बहुतों के साथ में ऐसा हो रखा होगा, मतलब हुआ भी होगा और हो भी रखा होगा ऐसा ना, मतलब मेरे साथ में भी एक्सपीरियंस है, मतलब हर किसी के साथ में एक्सपीरियंस है, चाहे मम्मी के साथ में हो, मम्मी तुम्हारे साथ में भी हुआ होगा ऐसा हो, कि सामने वाले जब पर्सन उसमें जब उसके साथ में जब दुख दर्द होता है, जो भी है उसमें दिक्कतें होती है फाइनेंशियली ये सब चीज़ें की, तो वो आता तुम्हें तुम्हारे पास आता है, बताता है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो थोड़े ना पैसों की जरूरत है, तो उसका दुख वक्त देख के इमोशनली वो देख के तो थोड़ा सहायता कर देते, इसकी एक हेल्प कर देते कि चलो हमारे जरिए एक हेल्प हो जाएगी, बंदे के चेहरे पे खुशी आ जाएगी, वो थोड़ा मतलब चीजें ले लेगा या चीजें हो जाएंगी उसके साथ में, जो चीज नहीं कर पा रहा होगा वो हो जाएगी, ठीक है। तो हम चलो दे देते, हम तो एक अपने हेल्प के उससे देते हैं कि भाई चलो हेल्प, ठीक है, फाइनेंशियल थोड़ा पैसा ऐसे दे देते हैं, जो भी जिस तरह की भी हेल्प होती है वो कर देते हैं। लेकिन जब सामने वाला जो बंदा होता है, जब वो दे देता भाई टाइम पीरियड कि भाई चलो इतने अभी तू दे दे तो मैं एक महीने बाद या दो महीने बाद या इतने दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद तेरे को वापस दे दूंगा, चलो ठीक है भाई दे दे, वैसे तो हम मांगते भी नहीं, ठीक है वापस दे देंगे भाई, क्योंकि भाई पैसे वैसों के चक्कर में ना खिलवाड़ और ये सब चीजें नहीं देखी जाती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। दोस्ती यारी में तो चल जाता, चलो तुम्हारा पक्का दोस्त है या क्लोज फ्रेंड हो तो उसमें तो चल जाता है, आजकल तो भाई फैमिली के चक्कर में ही लड़ाई हो जाती, पैसों को लेकर बंटवारा हो जाते, खून खराब हो जाता, सब चीज लड़ाई होने सब चलती रहती है पैसों के चक्कर में, तो इस वजह से तो ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन बंदे के ऊपर खुद होना चाहिए कि भाई वो पहले तो खुद दे दे, जिस टाइम पे लेके गए उस टाइम पीरियड में दे देना चाहिए। हाँ, जब उसको चलो ठीक है उसमें कोई मजबूरी होगी, चलो नहीं दे पाया कुछ नहीं दे पाया, लेकिन जब उसको कॉल कर रहा है तो भाई कॉल तो उठा दे, कॉल उठा के ये तो बोल दे कि भाई अभी नहीं दे पाऊंगा या बाद में ले देना या नहीं दे पाऊंगा, सीधा ये बोल दो भाई नहीं दे पाऊंगा, तो एक
तसल्ली हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, नहीं दे भाई हम तो ये सोच रहे दान कर दिया हमने, या फिर जो भी एक हेल्प हो गई, हमने एक इन्वेस्टमेंट करी वो हमारे डूब गए पैसे, हम खत्म बात क्यों। Yes. बाद में ये चीजें ना बोले कि भाई दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहाने बना। हाँ बहाने, बहानेबाजी तो क्या ही बहानेबाजी करोगे यार, सबको समझ में आता है दुनिया बेवकूफ तो है नहीं, लेकिन दुनिया हराम ही बहुत है ना, कुत्ती का मीनी चीज है दुनिया, क्या ही कर सकते हैं। तो ये थोड़ा है एक मैसेज, तो जिसको तुम हेल्प करो ना, हेल्प के उससे नीचे से तुम दे रहे हो पैसे वैसे के चक्कर में दे रहे हो जो भी है, तो थोड़ा ना सोच समझ के दिया करो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो तुम्हारा है तुम्हारी मेहनत का है, जैसा भी है तो मेहनत, तुमने कहीं ना कहीं से कमाया होगा, जैसे तुमने उधार थोड़ी ना लिया होगा किसी को देने के चक्कर में, कमाया ही होगा, क्यों नहीं कमाया होगा ना उन्होंने भी, तो भाई तुम्हारी मेहनत का है जो भी है, तो अपनी मेहनत का ऐसा क्यों किसी को दे रहा है। दोस्ती यारी में चल जाता है, दोस्ती यारी अलग चीज है, लेकिन देख के रहना चाहिए सामने वाले पर्सन तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है, कितना इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे लिए, कितना क्या चीज है लाइफ में, क्या कहना चाहोगे मम्मी जी। कहना चाहेंगे फोन नहीं दे रहा तो भाई कोई बात नहीं, अब नहीं दे रहा तो फंस गए हम उसके लिए, फिर हम दोबारा अगर वो बंदा दोबारा भी आता है ना तो हम उसको उसके लिए 10 बार सोचेंगे कि हम इसको दें या ना दें, या देंगे तो पहले उसको टॉर्चर करेंगे, भाई तू पहले ये तो दे हमारे, जब दोबारा मांगे तो हमसे टॉर्चर भी क्या ही करना भाई। हाँ। जब वो दोबारा मांगेगा हमारे पास आएगा मांगने, दोबारा तो आएगा ही नहीं ना, उसे पता इसके पैसे देने नहीं, तो नहीं बेशरम बंदा आ भी जाता है दोबारा मांग लेता है, बेशरम बंदे होंगे जो आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं मांग लेते हैं, तो ये चीजें थोड़ी ना सोच समझ के देनी चाहिए। तो बाकी सही है, आप क्या ही कर सकते हैं, किसको क्या ही बोल सकते हैं, इसलिए आप अपने पैसों को चलो संभाल के रखो, संभाल के रखो, संभाल के दो, मतलब जिसको भी तुम दे रहे हो, वही मैंने कहा कि तुम्हारी लाइफ में कितना वो पर्सन सामने वाला जो चीज को तुम दे रहे हो वो कितना मैटर करता है, कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, कितना क्या चीज मायने रखती है तुम्हारे लिए, तो उस चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है तुम, बाकी तो आप समझदार हो समझ ही जाओगे। बंदे को फंसना ही नहीं चाहिए चाहे कोई भी हो बंदा, तो सही बात है भाई, पैसे के चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेते हुए इंसान कुछ और होता है, जब देने की बारी आती है ना तो वो सुअर की आंखें दिखाता है, मगरमच्छ के आंसू होता मगरमच्छ के आंसू तो हम रोएंगे उसके आगे, हमारे पैसे मांगे हम मांगेंगे तो उसे भीख की तरह से मांगे भाई दे दे भाई दे दे, हाँ बाद में हम खुद भिखारी हो जाते हैं कि भाई तू दे दे हमारा पैसा, हमारे को दे दे ये दे दे वो दे दे, तो मतलब सीन कहने का मतलब यही है कि पहले तुम कोई आता है तुम्हारे पास में, तुम दान क्या कहते हो उसे, दान दान पूरे क्या कहते हो उसे, दान दानी है, दानी दानी बन जाते हो, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आता है कि जहाँ तुम भिखारी बन जाते हो, फिर उसे भीख की तरह मांगे भाई दे दियो भाई दे दे कब देगा भाई दे दे कब देगा, तो हाथ फैलाते हो हाथ जोड़ते हो या जो भी है तुम गालियां देते हो उसकी जो भी है लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हो, तो तुम एक तरह से भिखारी ही हो गए बाद में, पहले दानी बन जाते तुम, हाँ भाई हम चोड़े हो गए कूल, एक क्या कहते हैं कूलनेस दिखाने के चक्कर में हमने वो कर दिया हमने ये कर दिया चलो ठीक है, तो उसके चक्कर में तुम फंस ही जाते हो, पैसों के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। हाँ ये तो सच बात है भाई, तो दूरी की रिश्तेदारी अच्छी है, हाँ जोड़ लो उसके साथ में भाई, हाँ ठीक है थोड़ी बहुत हेल्प कर दी ठीक है, लेकिन या तो कुछ दो ही मत, या तो फिर ये है कि मांगो मत, बाद में भूल जाओगे नहीं दे रहा तो ये चीज है क्यों, पहले बात तो दो नहीं दो तो ठीक है, अब वो जैसा भी है इमोशनली या फाइनेंशियली जैसे भी वो देख दाख के दो, मैं वही कह रहा हूँ देख दाख के देना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के चला आया तुम्हारे पे मांग लिया इमोशनली कर दिया ये सब हो गया, तो ये सब चीज है चाहे वो तुम्हारा कलीग ही ना हो ऐसे लोग बहुत आते तुम्हारे पास में थोड़ी सी बातचीत कर लो अरे भाई दे दो अरे भाई दे दो तो ये सब चीजें रहती हैं भाई, थोड़ा देख दाख के थोड़ा सोच समझ के ये सब करना चाहिए, बाकी तो यार समझ लो तो बढ़िया है, ना समझो तो वो भी बढ़िया है अपनी तरफ से, क्यों होगी, हम तो बस एक आपको एक मैसेज देना चाह रहे थे वो हमने दे दिया, बाकी आपके ऊपर है आपकी मर्जी, आपकी मर्जी बाकी ऊपर वाले की मर्जी, पहला तो यार पंखा हल्का करो वरना इसकी आवाज नहीं जाती है ब्लॉग के अंदर ना भाई, सीन ऐसा है मम्मी गई थी आज उधर
पुरानी दिल्ली है ना, दवाई लेने, मेरी गर्दन नहीं मुड़ रही है तो इसलिए मैं ऐसे देख रहा हूँ ठीक है। तो मम्मी को वहां पे मिले हमारे पड़ोसी, जहाँ पे हम पहले रहते थे पुराने पड़ोसी मिले, मम्मी उनको देख के खुश होती है, होते भाई हम खुश होते पुराने दोस्तों को देख के खुश होते, मम्मी खुश हो रही है पुराने पड़ोसी को देख के कि अरे ये तो पुराने पड़ोसी मिल गए हमें क्यों बताओ मिल गए थे पड़ोसी को देख के कौन खुश होता भाई, भाई पुराने दोस्त समझ में आते, चलो स्कूल के दोस्त इधर उधर के दोस्त फलाने को उनको देख के थोड़ा होता है कि अरे ये वो, लेकिन मम्मी मेरी एंटिक यूनिक पेस मम्मी की वो फ्रेंड ही है। मम्मी कौन सी फ्रेंड है, वो फ्रेंड ही है मेरी पड़ोसी फ्रेंड हो गए, पड़ोसी कब से फ्रेंड हो गए पता ही लगा देगा भाई। तो भाई ये है मम्मी का उधर जाने का राज असली, कि मम्मी किस मारे गई थी, उनसे मिलने मिलाने गई थी, दवाइयां तो पहले है मिल गई, वो तो मिल गई भाई बढ़िया भाई, मिल गए पड़ोसी मिल गए भाई, खुश हो गए देख दाग के एक दूसरे को है ना, तो बढ़िया है। बाकी यार अपना गर्दन का दर्द, मैं गर्दन का गला कह रहा हूँ गर्दन का दर्द तो सही हो नहीं रहा है, ऐसी है ऐसी है अटकावा यहाँ से, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ से सही हो गया, अभी इधर इधर रह गया ये पूरा, जैसे होता ना बॉर्डर लाइन वाला वो वैसा रह गया है। तो अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी मिलता हूँ आपको कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में, बाकी बाय और गुड नाइट।